अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि जेके बोपी ने जीएनएम ट्वेल्थ बेसिक पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट यहां पर रिलीज़ कर दी है, और प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में काफ़ी कन्फ्यूजन्स हैं स्टूडेंट्स के, वो मैं सारे के सारे क्लियर करूँगा, और उसके साथ साथ रिप्रेजेंटेशन किस किस कैंडिडेट को सबमिट करनी है और नेक्स्ट स्टेप आपका क्या रहने वाला है, काउंसलिंग आपकी कब तक होगी, वो सारा कुछ मैं आपको इस एक ही वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि इसके रिगार्डिंग बहुत सारे मैसेजेस टेलीग्राम पर हैं, तो सारी मैसेज का वहाँ पर रिप्लाई देना काफ़ी मुश्किल है, इसलिए आप इस वीडियो को देख लो, आपके सारे कन्फ्यूजन सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहां पे देख सकते हैं प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ट्वेल्थ बेसिक डिप्लोमा, जिसमें हमारा जीएनएम एएनएम वगैरह एमआरटी सारा कुछ आता है। तो इनकी मेरिट लिस्ट आई है, इसमें क्या है कि इसमें पहले तो एक कंफ्यूजन मैं आपका क्लियर कर देता हूं, इसमें सारे कैंडिडेट्स का नाम होगा जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया है, ना कि जिनकी सिलेक्शन यहां पर हुई है। मेरिट लिस्ट में सारे उन कैंडिडेट्स का नाम होता है जिन्होंने अपना फॉर्म जब वो फिल अप किया है, ठीक, उन सारे कैंडिडेट्स का यहाँ पे लिस्ट में नाम हो। इसके साथ साथ लिस्ट में अगर आपकी जो रैंक है वो गलत आपको लग रहा है कि गलत रैंक इन्होंने रखी है, या आपके मार्क्स इसमें लग रहे हैं कि इन्होंने गलत मार्क्स ऐड किए हैं, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे एक मौका दिया जाता है। 26 नवंबर यानी कि 26 नवंबर दिन के 4 बजे तक ऑफलाइन आप जो है वो फिजिकली बोपी या फिर श्रीनगर या जम्मू जाके अपनी रिप्रेजेंटेशन को सबमिट कर सकते हैं। जो भी आपने जो भी उसमें मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग आपको कुछ भी कहना है आप वहाँ पर जा सकते हैं, बाकी हर किसी को जाने की जरूरत नहीं है। उन्हीं कैंडिडेट्स को अगर वो जाना चाहते हैं, उनके मार्क्स यहाँ पे गलत हैं या कुछ और इसमें वो रिप्रेजेंटेशन इसके बारे में देना चाहते हैं, तो वो जा सकते हैं 26 नवंबर तक। ये तो हो गया, बाकी इसमें आपको कुछ भी यहाँ पे करना नहीं है। तो मेल वगैरह के जरिए कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं आएगी, वो सारा कुछ आप समझ लीजिए, आप मेल के जरिए कोई भी रिप्रेजेंटेशन या व्हाट्सएप के जरिए कोई रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर सबमिट नहीं कर सकते हैं, आपको फिजिकली जाना पड़ेगा बोपी ऑफिस श्रीनगर या बोपी ऑफिस जम्मू। तो इसके बाद जब हम लिस्ट को नीचे देखेंगे तो इसके रिगार्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट कन्फ्यूजन्स हैं वो सारे मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा। तो लिस्ट को जो ही आप देख लोगे, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर आपका देखने को मिलेगा, जब आपने अपना फॉर्म लगाया था उस टाइम आपको एप्लीकेशन नंबर मिला होगा, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको नाम अपना दिखेगा, पीआर ट्वेल्थ में आपको ट्वेल्थ के मार्क्स दिखेंगे, और इसमें भी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कन्फ्यूजन है, कुछ कैंडिडेट्स का यहाँ पे 0-0 दिखा रहा है ट्वेल्थ के मार्क्स को पीआर ट्वेल्थ में, तो दैट मीन्स कि वो लेटरल एंट्री वाले हैं, तो उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एलई मतलब लेटरल एंट्री, जिनको यहाँ पे यस दिखा रहा है वो लेटरल एंट्री वाले कैंडिडेट्स हैं, और जिनको यहां पे नो दिखा रहा है वो लेटरल एंट्री वाले नहीं है, वो ट्वेल्थ वाले, क्योंकि इसमें लेटरल एंट्री वाले भी कैंडिडेट्स होते हैं। पीएम मतलब कि पैरामेडिकल कोर्सेज, मतलब जब आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म लगाया था क्या आपने पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए भी लगाया था, उसमें आपको यस या नो दिखेगा। जिसको यहां पे नो दिखेगा वो लेटर पैरामेडिकल कोर्सेज की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, यानी कि पैरामेडिकल कोर्सेज वो काउंसलिंग में सिलेक्ट नहीं कर सकता है। जिनको जीएनएम में यस दिखेगा वो उन्होंने जीएनएम को भी यस रखा है, एएनएम को यस दिखेगा आपने एएनएम को भी यस रखा है, एमआरटी मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन उसको यस दिखेगा आपने उसको भी यस रखा है। जिनको यहां पे नो दिखा रहा है जिस कोर्स को, चाहे पीएम हो जीएनएम हो एएनएम हो एमआरटी हो, तो आप उन कोर्सेज को काउंसलिंग के टाइम जो है वो सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद यहां पे जब हम नेक्स्ट आ जाएंगे, ये वाला पीईआरएलई मतलब कि पीईआरएलई यहां पे कुछ कैंडिडेट्स को 0-0 दिखा रहा है, कुछ क्या मैक्सिमम कैंडिडेट को 0-0 दिखा रहा है, लेकिन कुछ ही कैंडिडेट्स को यहां पे पीईआरएलई में भी यहां पे पॉइंट्स दिखेंगे। देखिए पीईआरएलई में आपको परसेंटेज ऑफ मार्क्स दिखेगा जो आपने लेटरल एंट्री में एफएमपीएचडब्ल्यू है आपका एमएमपीएचडब्ल्यू है उसके मार्क्स यहां पे आपको पीईआरएलई में दिखेंगे, ये हर कैंडिडेट को नहीं होगा, और जिन कैंडिडेट को पीईआरएलई में मार्क्स दिखेंगे उनको यहां पे पीआर ट्वेल्थ में 0-0 दिखेगा। जिस तरह आप यहां पे थर्ड नंबर के कैंडिडेट को देख रहे हैं, यानी कि ये एफएमपीएचडब्ल्यू एमएमपीएचडब्ल्यू यानी कि लेटरल एंट्री का कैंडिडेट है। उसके साथ साथ यहां पे सीएटी मतलब कैटेगरी में आपको दिखेगा ओपन मेरिट से हैं आरबी एससी एसटी वगैरह जो भी होगा। सीरियल नंबर में यहां पे आपको एप्लीकेशन का आपने मतलब एप्लीकेशन का सीरियल नंबर आपको देखने को मिलेगा। इन्होंने जो सिलेक्शन लिस्ट निकाली वो सिलेक्ट मतलब जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट इन्होंने बनाई है वो सीरियल नंबर के हिसाब से बनाई है, और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको D1, D2, D3, D4, D5 और D6 देखने को मिलेगा। D1, D2, D3, D4 ये क्या है, ये है डेफिशिएंसीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि आपका डॉक्यूमेंट जो है वो कोई डेफिशिएंट है या नहीं है। अगर आपको D1 में आपको यस दिखा रहा है यहाँ पे, तो दैट मीन्स आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट डेफिशिएंट है। D2 में आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो डेफिशिएंट है। D3 में आपको ट्वेल्थ की मार्क्स कार्ड जो है वो आपका डेफिशिएंट है। D4 में आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपने वहाँ पे फॉर्म फिलअप करते समय कैटेगरी सर्टिफिकेट तो यस किया था कैटेगरी को, लेकिन आपने सबमिट कर नहीं की, तो उसका यहाँ पे आपको जो है वो D4 में कैटेगरी सर्टिफिकेट का डेफिशिएंट दिखाएगा। D6 में आपको जीएनएम लेटरल एंट्री फर्स्ट एंड सेकंड ईयर की मार्क्स शीट का जो है यहाँ पे दिखाई देगा। इसमें से किसी की भी अगर आपकी डेफिशिएंसी है तो वो आपके जो है वो डॉक्यूमेंट्स आपकी डेफिशिएंसी है, जो भी डॉक्यूमेंट आपका पेंडिंग है जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी आप उस टाइम उसको वो मतलब वेरीफाई वहाँ से करवा सकते हैं। ये तो हो गया लिस्ट के बारे में कन्फ्यूजन। अभी आपने नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या करना है वो मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा।
तो देखिए फिलहाल आपकी जो है वो मेरिट लिस्ट आ चुकी है, आपको जो है वो अपना नाम वगैरह सारा कुछ इसमें देखने को मिला, आपको पता चला पॉइंट्स वगैरह मेरे कितने हैं। बस आपने कुछ भी नहीं करना, आपने वेट करना। इसके बाद क्या होगा, आपकी जो है जेके बोपी एक नोट्स निकालेगी जिसमें काउंसलिंग शेड्यूल आ जाएगा। काउंसलिंग शेड्यूल में होगा कि किस पॉइंट से लेके किस पॉइंट तक के कैंडिडेट को काउंसलिंग के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा, यानी कि किस मार्क्स से लेके कितने मार्क्स तक के कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। तो जो जो उस रैंक में फॉल करते होंगे, उस रेंज में फॉल करते होंगे, उनको बोपी या फिर चले जाना होगा। चाहे श्रीनगर जाओ आप, चाहे जम्मू जाओ, अगर आप जम्मू से हैं तो जम्मू चले जाना है, अगर आप कश्मीर से हैं तो श्रीनगर आपने चले जाना है। वहाँ पे जाके आप अपनी जो है वो काउंसलिंग का फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, उसमें अपने कॉलेजेस की प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। आपने देखा होगा बीएससी नर्सिंग में काउंसलिंग ऑनलाइन रही थी, लेकिन इसमें 12th बेसिक डिप्लोमा में या बीएससी नर्सिंग का सेकंड राउंड होगा या बी फार्मेसी का होगा 10th बेसिक का होगा, वो सारी काउंसलिंग यहाँ पे शायद ऑफलाइन ही रहेगी, ऑनलाइन बिल्कुल भी नहीं रहेगी, क्योंकि बीएससी नर्सिंग में काफ़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आ गई, तो इसमें भी काफ़ी कैंडिडेट्स हैं, तो इनकी काउंसलिंग जो होगी ऑफलाइन होगी। यानी कि नेक्स्ट स्टेप आपका काउंसलिंग का रहने वाला है। काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आ जाएगी, मैं आपको बताऊंगा काउंसलिंग की नोटिफिकेशन अब कब तक आ जाएगी। देखिए 26th तक इन्होंने यहां पे रखा है कि रिप्रेजेंटेशन सबमिट करने के लिए, ठीक 26th तक तो आपका काउंसलिंग का शेड्यूल बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। उसके बाद 27, 28, 29 तक आपकी काउंसलिंग की नोट्स जो है वो आ जाएगी, या फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक आपकी काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आ जाएगी। बाकी आप यहां पे परेशान बिल्कुल भी मत हो जाना, जैसे इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने 30 नवंबर रखा था जीएनएम और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की लास्ट डेट एडमिशन के लिए, उसमें आप परेशान मत हो जाओ, जेके बोपी वालों को उसका एक्सटेंशन यहाँ पे मिल जाएगा, तो आपको परेशान लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर आपकी काउंसलिंग जब खत्म हो दी जाएगी, आपको एडमिशन वगैरह करना पड़ेगा, फिर आपकी क्लासेस वगैरह कॉलेज वाले ही डिसाइड यहाँ पे करेंगे। यानी कि इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आपकी काउंसलिंग रहने वाली है। काउंसलिंग करने के बाद आपकी कुछ टाइम बाद आपकी सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी। सिलेक्शन लिस्ट इस बार जल्दी आ जाएगी, बीएससी नर्सिंग की तरफ आपको जो है वो टाइम उसमें लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे सीडीपी कैटेगरी का भी मसला इन्होंने हल कर दिया है, और आईएनसी का भी इनको प्रेशर है कि उनको एडमिशन वगैरह इनको जल्दी करके देने, और बीएससी नर्सिंग के भी एडमिशन यहाँ पे अभी जल्दी ही मतलब 31st ऑफ दिसंबर से पहले लग जाएंगे, मतलब कंप्लीट हो जाएंगे, जनवरी के पहले वीक में आपकी क्लासेस यहाँ पे लग जाएंगी। ये था 12th बेसिक डिप्लोमा की जो मेरिट लिस्ट है, उसके बारे में डिटेल में मैंने आपको सारे डाउट्स क्लियर किए। स्टिल कोई कंफ्यूजन अगर होगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।